दोस्तों, कल मेरे एक दर्शक ने मुझसे पूछा था कि भाई यार, सरसों का तेल का बिजनेस हमने शुरू किया है और दोस्तों मैं पिछले 1 साल से शुरू किया हूं, लेकिन क्या करूं भाई, मेरा बिजनेस जो है वो सही तरीके से, यानी एक तरीके से आप समझ करके चलिए कि उनके कहने का मतलब यह है कि उतना नहीं चल रहा है जितना मैं उम्मीद कर रहा हूं, मुश्किल से बहुत कम चल रहा है, जिससे प्रतिदिन जो रोजी रोटी है वह भी सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। तो दोस्तों, मेरे दर्शक ने जो किया था वो एक तरीके से मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो दोस्तों उसके जरिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। दोस्तों आप भी चाहें, अगर आप भी किसी भी प्रकार का व्यापार या बिजनेस करते हैं, तो दोस्तों आप भी चाहें तो हेल्प ले सकते हैं मुझसे सीधा सीधा फोन करके, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। तो चलिए दोस्त, आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि सरसों का तेल का बिजनेस कैसे आप उसको एक तरीके से ग्रो कर सकते हैं, वह कौन से दो तरीके मैं बताने वाला हूं जिसके जरिए किसी भी सरसों के तेल के बिजनेस को कहीं पर भी अगर आप शुरू किए हुए हैं तो उसको ग्रोथ कर सकते हैं। और दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि जो मेरे दर्शक थे उन्होंने क्या क्या बात बताई और मैंने उनको क्या सलाह भी दिया, लेकिन मैंने सोचा कि इस तरीके का ऐसे बहुत से दर्शक सोच रहे होंगे, उनके पास प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों हो सकता है किसी कारणवश उनको कहीं सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा होगा या उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा होगा, जिसके कारण मैंने सोचा कि यह आज का वीडियो इसी टॉपिक पे बनाते हैं, अन्यथा मैं कोई और बिजनेस आइडिया आज बताने वाला था। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे दर्शक जो हैं वो उन्होंने क्या पूछा और मैंने क्या बताया, और आप लोग भी इस बात को कान खोल करके सुन लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सब लोग बिजनेस आइडिया देते हैं लेकिन अगर आप संपर्क करना चाहें तो कोई भी व्यक्ति आपसे संपर्क नहीं करना चाहता। तो दोस्तों आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से मुझे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आते हैं टॉपिक पे, आज का जो विषय है उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों आप किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं फिर भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपको भी उसमें थोड़ा नॉलेज मिल जाए। तो चलिए दोस्तों अगर आप सरसों का तेल का व्यापार शुरू करते हैं या शुरू कर चुके हैं या शुरू करना चाहते हैं, तो दोस्तों दो बात उसमें जरूरी होता है। जैसे कि मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और गांव से ही मैं उसका सोल्यूशन बता रहा हूं कि उससे हो सकता है कि आप उसको अगर उस तरीके को अपनाएंगे तो आपके बिजनेस 10 गुना तेजी से भी बढ़ सकता है। इसका मतलब 100% चांस होता है, क्योंकि बिना कोई तरीका अपनाए कुछ भी ग्रोथ नहीं हासिल किया जा सकता। बिना दवा खाए अगर तबीयत बिगड़ जाती है तो बिना दवा खाए अगर आप सोचेंगे कि ठीक हो जाएंगे तो इसका चांस 90% अभी के समय में कम है। ठीक उसी प्रकार से हर एक प्रकार के बिजनेस में कोई ना कोई तरीका, नया तरीका या पुराना तरीका अपनाना ही पड़ता है, जिसके बाद ही बिजनेस हो या कोई भी चीज हो ग्रोथ करता है। दोस्तों सरसों का तेल का जो व्यापार है वह एक तरीके से भारत में काफी बड़ा व्यापार है, उसकी भारत के अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा योगदान है सरसों के तेल का व्यापार। लेकिन दोस्तों मेरे जो दर्शक हैं उन्होंने ये बात कहा कि भाई मैं गांव के एरिया में बिजनेस को शुरू किया हूं और सरसों की तेल पेराई का मैं बिजनेस करता हूं, लेकिन उतना नहीं चल रहा है जितना चाहिए। हो सकता है कि आप अगर हमारे दर्शक हो जिन्होंने बात किया वो आप देख भी रहे हो। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं और सभी दर्शकों को बता देता हूं कि दोस्तों आप चाहें तो, अगर सबसे जरूरी जो चीज है वो बताता हूं, आप अगर सरसों तेल का व्यापार, सरसों अगर गांव में पेराई का व्यापार शुरू किए हैं, जो सरसों तेल पेराई करके बेचने का व्यापार होता है, दोस्तों वहां पर ये चीज कॉमन होता है कि यह बिजनेस जो होता है ना, एक तरीके से गांव के एरिया में चलता है। जब सरसों का, जैसे सरसों का जब फसल जब निकलता है उस समय यह जो बिजनेस होता है उस समय कम चलता है। आप ध्यान दीजिएगा बातों को, जब सरसों का फसल का समय होता है, मतलब सरसों की फसल की कटाई होती है, तो ज्यादातर लोग अपना जो खेतों से, गांव की बात कर रहा हूं, तो खेतों से सरसों ले जाकर के खुद पेराई करा लेते हैं, उतना तेल नहीं खरीदते हैं। और आपको ये पता है कि
लोगों के पास, सभी लोगों के पास उतना जमीन नहीं है जितना उससे सरसों का फसल उगा कर पूरे साल वही सरसों जो घर का तैयार है उसी से खा सके, ये भी बात सही है। इस प्रकार के किसान बहुत गिने चुने ही हुए, ज्यादातर किसानों के पास भूमि जमीन कम होती है और वो सरसों की खेतों में फसल अगर उगाते भी हैं, दोस्तों मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूं, अगर सरसों के खेतों में फसल उगाते हैं तो उस फसल से 6 महीने ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट अगर कहा जाए तो औसत में जो किसान है वह 6 महीने अपने फसल से खाते हैं, बाकी वो 6 महीने वो खरीद करके ही तेल खाते हैं। और जो उसमें भी, उसमें परसेंटेज भी है, उसमें तो बहुत हैं जो पूरे साल सरसों का तेल खरीद करके खाते हैं। लेकिन गांव में अगर आप सरसों तेल पेराई से जुड़े बिजनेस आपने शुरू किया हुआ है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, सरसों की जो एक तरीके से डिमांड होती है, सरसों की तेल की डिमांड होती है, वह सरसों के फसल कटने के 2 या 3 या 4-5 महीने बाद से शुरू होता है। असली डिमांड उस समय शुरू होता है जब धीरे धीरे सरसों की कमी आने लगती है, यानी कि जो लोग किसान जो लोग हैं जिनके पास, जो छोटे किसान है, ज्यादातर किसानों के पास अपना निजी जो उत्पादन है फसलों का वो खत्म होने लगता है, उसके बाद उसकी जो डिमांड है तेल की डिमांड है वो बढ़ने लगती है। उस समय दोस्तों अगर आप गांव में व्यापार किए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, आपके लिए मैं ही बता रहा हूं, अगर आप इस प्रकार का बिजनेस किए हैं तो, अगर गांव में आपने इस प्रकार का व्यापार किया है तो दोस्तों आपको यह मेरा सलाह है कि शुरुआती समय से आपको जो सरसों है वह अलग अलग जगह से, या एक तरीके से आपको किसी न किसी तरह से जो सरसों होती है उसको आपको खरीद कर रखना होता है, जो भी मतलब तेल जिसका आप बेच रहे हैं, जो खाने का, खाने में उपयोग किया जाता है दोस्तों सरसों का तेल, उसको आपका जो रॉ मटेरियल बनता है उसको सीजन से ही खरीद कर स्टॉक कर करके सुरक्षित उसको रखना होता है। ये नहीं कि ऐसे ही रख दें, उसको सुरक्षित रखना होता है। सुरक्षित का मतलब यह है कि दोस्तों आपको उसको ऐसे जगह, ऐसे चीज में रखना है जिसमें उसमें सीमन, मतलब उसमें ठंडक न पहुंचे, वो हमेशा ताजा रहे। उसके लिए समय समय पर उसको धूप दिखाना भी होता है। उसको सुरक्षित रखने के लिए आपको सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, अन्यथा आपकी पूंजी बर्बाद हो सकती है। अगर आप उसको खरीद कर रख लिए हैं, अगर सही तरीके से उसको नहीं रखे हैं तो आपको पूंजी, दोस्तों आपकी पूंजी बर्बाद हो सकती है। तो दोस्तों ये जो मैंने चीज, पहला चीज बताया कि आपको सीजन के समय में ही खरीद कर उसको रख लेना है, और 6 महीने बाद दोस्तों ज्यादातर किसानों के पास, जो छोटे किसान है उनके पास सरसों खत्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों उसका कीमत बढ़ने लगता है बाजार में, आपने देखा होगा, और धीरे धीरे आप चाहें तो उसको, अब जो दूसरा तरीका बता रहा हूं उसको ग्रो करना है, अपने व्यापार को तेजी से चलाना है, तो दोस्तों इसके लिए एक ही तरीका है। अगर आप मान करके चलिए गांव में रहते हैं, गांव में कंपटीशन ज्यादा है, हो सकता है कि आपके आसपास और भी इस प्रकार के आप जैसे बिजनेस लोग किए हुए हो, तो दोस्तों आपको दुकान, एक तरीके से गोदाम मशीन वही रखना है। आपको थोड़ा जहां पे मार्केट है, चाहे 5 किलोमीटर दूर हो या 10 किलोमीटर दूर हो, आपको कुछ दिनों तक, कुछ दिनों का मतलब यह हुआ कि कम से कम उस समय तक, जिस समय महंगाई जब होती है उस चीज की, जब एक तरीके से किसानों के बाद मटेरियल खत्म होता है उसके बाद महंगाई उसकी बढ़ने लगती है, 5 रुपए 10 रुपए महंगा हो जाता है, उससे ज्यादा भी महंगा हो जाता है, मैंने एक उदाहरण बताया, उस समय दोस्तों आप बड़े मार्केट में ले जा करके वहां अपना मटेरियल मार्केट के समय समय पर उसको बेच सकते हैं। मतलब अलग अलग जैसे मार्केट में जाएंगे तो अलग अलग दिनों में, अलग अलग जगहों का अलग अलग दिन में मार्केट लगता है। गांव में ऐसा भी होता है कि जो बड़ा मार्केट है वो किसी एक दिन लगेगा, फिर किसी और दिन कहीं और मार्केट लगेगा। उस तरीके से दोस्तों आप अगर तेजी से अगर आप व्यापार को शुरू करना चाहते हैं तो आप, यानी कि एक बड़े डब्बे में रख करके, भर करके दोस्तों आप उसको चाहें तो ले जा करके उस मार्केट में बेच सकते हैं, जहां पे पब्लिक हजारों या कई हजार की संख्या में जहां
उस मार्केट में आती है, जाती है, बाजार करती है, मतलब जहां पे पब्लिक रहती है वहीं माल बिकेगा। गांव में ये चीज होता है कि सीमित मात्रा में ग्राहक होते हैं, तो उसके लिए अगर आपको मानकर चलिए बिजनेस को बढ़ाना है तो या तो आप वहीं दुकान कर लिए जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अन्यथा दोस्तों आप अपने दुकान को गांव में ही रखिए, लेकिन आप कुछ ग्राहक उस जगह पे ले जा करके अपना माल बेचिए जहां से नए ग्राहक आपसे जुड़ सके। दोस्तों सिर्फ सिर्फ यही फंडा है और यही बात मैंने उस भाई को बताया। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर समझ में आ गया होगा कि मैंने इस वीडियो से क्या हेल्प किया। दोस्तों आप भी अगर किसी प्रकार का बिजनेस किए हुए हैं तो आप भी निसंकोच डिस्क्रिप्शन में मैंने जो नंबर दिया है आप मुझसे बात कर सकते हैं। जितना संभव हो सकेगा, जितना नॉलेज में है उतना मैं आपके हेल्प कर सकूंगा, आपकी मदद कर सकूंगा, आपकी सहायता कर सकूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।